हेल्थ और संस्कार में हम है करण, आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अपने लिए बना रहा हूँ, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। मैं जो हूँ भाई SBI का CSP छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास SBI का CSP है जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। अभी आप लोग कहोगे भाई SBI CSP आप क्यों छोड़ रहे हो, इतना अच्छा तो काम कर रहे हो भाई, CSP चला रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो, अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन भाई मैं ऐसा बता दूँ, कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें भाई फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। दोनों चीज़ होती है, ऐसा तो है नहीं आपको दोनों एक चीज़ फ़ायदा ही फायदा मिलता चला जाए। हालांकि हमको SBI की CSP के साथ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है वो भी बताऊंगा, नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदा की, ठीक है। फ़ायदा तो आप ये समझ लीजिए कि भाई हमको SBI का CSP मिला है, तो यहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू हमको मिली हुई है कि केवल SBI के लोगों देख के ही कस्टमर हमारी CSP पर आ जाता है एंड वो हम पर भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है कि ये बंदा हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो कस्टमर किसी और जगह पर जाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो वहाँ पर वो भाई 50 बार अपनी इंक्वायरी वगैरह कराता है, सारी कुछ कराता है, उसको तसल्ली नहीं होती। लेकिन SBI CSP पर उसको तसल्ली होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर भाई कमाई भी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है। अभी आप कहोगे भाई कमाई अच्छी होती है, वो भी अच्छी नहीं है। अब बात ये थी भाई, जब सब चीज़ अच्छी है तो मैं SBI की CSP छोड़ क्यों रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि SBI की CSP मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। मेरे पास जो CSP वो है ऑक्सीजन कंपनी का। ऑक्सीजन काफ़ी होती है, मतलब जो कंपनी होती है वो काफ़ी होती हैं, जीरो मार्क्स होती हैं और स्टाइल फिल्म वगैरह काफ़ी कंपनी होती है, ठीक है। SBI CSP छोड़ने का मेरा मेन मकसद ये है भाई, SSS, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ SSS, SSS का मतलब होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट पे जो है 12 रुपये के और 360 वाली बीमा करना, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सारे काम करना, यानी कि ये जो बीमा है ये सब करने। हालांकि कंपनी हमसे ये बोलती है कि आपको मंथली इतना बीमा करके हमको देना है, इतने SSS हमको करके देना है, अगर नहीं करके दे पाते हैं तो हमारा कोर्ट बंद कर दिया जाता है, हमको यहाँ पर कमीशन रोक दिया जाता है हमारा। लेकिन कस्टमर को भाई कैसे कन्विंस करें ये बताइए आप। कस्टमर सामने वाला आता है, उसको हम कन्विंस करते हैं कि भाई SSS करा लो, ये फ़ायदा आपको 2 लाख रुपये का बीमा साल में 3 रुपये कटेंगे, लेकिन कस्टमर यहाँ पर मानने को तैयार नहीं होता है, ठीक है। हालांकि जो भाई SSS काफ़ी लोग पूरे कर भी लेते हैं, काफ़ी लोग पूरे नहीं कर पाते, यहाँ पर ये टारगेट हमको दिया जाता है। दूसरा रहता है भाई सर्वर प्रॉब्लम, ठीक है। SBI का सर्वर तो पूछो मत, इतना बेकार चलता है भाई, हमारा सर्वर तो कभी चलता नहीं, हफ्ते में 2 दिन चलता है, बाकी सब दिन बंद रहता है, ठीक है। सर्वर बहुत बेकार चलता है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालोगे ना तो कह दिया जाएगा भाई SSS करो जाके। SSS कहाँ से करनी है बताओ भाई, हम एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठते हैं, वही बंदे हमारे पास रोज में वही बंदे आते हैं जो आते जाते रहते हैं, ठीक है। कोई नया बंदा नहीं आता, अगर आता भी तो उसका कर देते हैं हम लोग, बिना बताए कर देते हैं, ठीक है। अब जिनको ऑलरेडी कर रखे हैं उनको हम दोबारा से बार बार कहाँ से करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये आती है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आती है भाई, इतने अकाउंट ओपनिंग कर दो उनको मंथली, तब काम होगा। अगर आप ये सारे टारगेट पूरे नहीं कर सकते हो तो इसमें आपका कोड बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए कोड बंद कर दिया जाता है आपका, आपका कमीशन रोक लिया जाता है। आप एक बात ये बताइए, जिस धंधे में आप 50-60 हज़ार 1 लाख रुपये लगा के बैठे हो, वही धंधा आपका बंद कर दिया जाए कंपनी की तरफ से, तब आप क्या करोगे भाई, क्या कमाओगे? यहाँ पर कुछ नहीं कमा सकते हो, सब जीरो है, ठीक है। यहाँ पर कमीशन की अगर मैं बात करूँ भाई, मैं मंथली बता रहा हूँ, मैं वैसे अगर दिन पे बताऊँ तो दिन पे तो आराम से 60 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन करता हूँ, 60 हज़ार रुपये का एक दिन करता हूँ, एक दिन पे। अगर मैं मंथली चला जाऊँ भाई तो मंथली बड़े आराम से बता रहा हूँ 4-5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। 5 लाख तो मेरा मान लो भाई, 5 लाख पे पता है मेरे को कितना कमीशन मिलता है? 5 हज़ार रुपये, मतलब 5 हज़ार रुपये मिलता है मेरे को 5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करने पर मंथली। बस ये कमाई है CSP की। और जो लोग चाहते हैं कि मैं SBI का CSP ले लें, हम कंपनी को इतना पैसा देने तैयार, उतना पैसा देने तैयार, भाई अपनी जिम्मेदारी पर लेना, ठीक है। कंपनी पैसा भी आपका खा लेती है, सिक्योरिटी जो जमा करोगे वो भी आपकी खाली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 25-30 हज़ार रुपये सिक्योरिटी जमा होती, वो बस गई, आपको वापस नहीं मिलेगी। मेन रीज़न जो है मेरा SBI CSP छोड़ने का वो है ये कि इनका SSS का टारगेट जो है भाई वो पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बंदे वही बार बार आते हैं और कोई बंदे नहीं आते हैं, ठीक है। जब करने के लिए बैठते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, तो इनका सर्वर नहीं चलता है जब कैंप लगाते हैं हम। कमीशन भी उतना अच्छा है नहीं जब इतने टेंशन करते हैं, खाम खाम में अपना 50-60-70 हज़ार रुपये का मटेरियल फूंक के हम बैठे यहाँ पर। इससे अच्छा हम कोई प्राइवेट कंपनी का CSP ले लें, जैसे फिन हो गया, CSC हो गया, और भी चीज़ होंगी इनका ले लें, इससे ज़्यादा कमाई कर लेंगे भाई, CSP ज़्यादा कमाई कर लेंगे। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जाना क्या मैं SBI का CSP छोड़ के सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे को SBI CSP छोड़ देनी चाहिए। मैं SBI को लोगो लेके नहीं बैठ सकता हूँ, केवल मेरे को कस्टमर को सर्विस भी देनी है, काम भी करना है, और भाई हमको कमाना भी है। कमा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? एक कस्टमर से हमको मुश्किल से 20 रुपये मिलता है, वो भी हर कस्टमर से नहीं मिलता है, एक कस्टमर से मुश्किल से पूरे दिन में। बाकी कस्टमर आते हैं, इंक्वायरी करा के चले जाते हैं और भी काम करा के चले जाते हैं, बस
क्या होता है भाई इसमें, कुछ नहीं होता है। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जाना मैं इस वजह से इसमें छोड़ के सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।